बच्चों आज हम पाठ पांच बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ इस कविता का रिवीजन करेंगे। ठीक है, कविता आपने पढ़ी हुई है, हम पहले पढ़ा चुके हैं। कविता में बेटियों को बचाने की और बेटियों को पढ़ाने की बात कही गई है। कई राज्यों में, हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां बेटी और बेटा में भेदभाव किया जाता है, बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, उन्हें आगे नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा उन्हें नहीं दी जाती। तो इस तरह का भेदभाव हमारे समाज में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी उतनी ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जितनी आप बेटे को करवा रहे हैं ना, तो बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह का भेदभाव हमें समाज से दूर करना चाहिए। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और बेटियों को भी खूब पढ़ा लिखा कर आगे उन्हें बढ़ाना चाहिए, और बेटियां यदि पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। यही शिक्षा इस कविता से हमें मिलती है। तो इस कविता में, मैं कविता को एक बार पढ़ रही हूँ आपके सामने, उसका अर्थ भी आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह कविता आनंद विश्वास के द्वारा लिखी गई है, कवि श्री आनंद विश्वास जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। कवि कह रहे हैं कि जो नानी और नानी वाली जो कहानियों में सुना करते थे हम, वह कहानियां बेटियों के मामले में पुरानी हो गई है ना। अब तो बेटी का नया युग शुरू हो गया है, बेटियों का नया युग शुरू हो गया है, अब हम एक नई कहानी लिखेंगे। अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि अब पुरानी बातें हो गई हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना, आज के इस युग में, इस नए युग में सभी बेटियों को आगे बढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं, सभी बेटियों को आगे भेजना हमें चाहिए। आज किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज बेटियों को नहीं भेजा जा रहा है, हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे हैं, है ना। बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, शिक्षक बन रही हैं और कई उच्च पदों पर बेटियां विराजमान। तो इस तरह आज बेटियों का युग है और इस नए युग में हम बेटियों की कोई नई कहानी लिखेंगे। अब नानी वाली कहानियां अब पुरानी हो गई है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। फौलादी ने नए इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। क्या बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, है ना। इस युग में बेटा भी पढ़ेगा, बेटी भी पढ़ेगी, सभी पढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, और सभी के इरादे बहुत मजबूत होंगे। वे खुद अपना इतिहास बनाएंगे, वे इतना पढ़ेंगे, इतना नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कि इसी से देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, मतलब ना पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो हमारा देश पढ़ेगा और देश में पढ़ने वाले बेटा और बेटी दोनों होंगे, दोनों ही बराबर समान रूप से पढ़ेंगे, तभी देश उन्नति करेगा, तभी देश आगे की ओर बढ़ेगा। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। कि यदि बेटा शिक्षित है, किसी के बेटा और बेटी दोनों हैं, उन्होंने केवल बेटे को शिक्षित किया तो मतलब आधी शिक्षा ही उसे प्राप्त हुई है, यदि आप दोनों को शिक्षित करेंगे तभी पूरी शिक्षा प्राप्त करवाना कहलाएगा। और इस बात का सभी को चिंतन मनन करना चाहिए कि आज के इस युग में बेटी और बेटा दोनों समान होते हैं। सारा जग शिक्षा मंत्र करना, शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कि यही हमारा ध्येय उद्देश्य होना चाहिए कि सभी शिक्षित हो, हर बच्चा, हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो बेटी, कोई भी हो, उसे शिक्षित होना अवश्य जरूरी है, यही हमें मन में ठान लेना है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। सरकार ने समय समय पर बहुत सारी योजनाएं इसके लिए बनाई है ना, कि शिक्षा कैसे हम सभी के पास शिक्षा को कैसे पहुंचाएं, ऐसे कई अभियान शुरू हुए, सर्व शिक्षा अभियान है जैसे, जिसमें 1 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उन्हें शिक्षित जरूरी है उन्हें स्कूल भेजना,
है ना, स्कूल आना उनके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य शिक्षा का नियम बना दिया गया। तो इस तरह से कई योजनाएं, कई नियम, कई ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। पुस्तक और कलम की ताकत जब जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी आपके जग में कोई पुरानी। पुस्तक और कलम की ताकत हम सभी जानते हैं कि शिक्षित होने के बाद हम कितने अधिक अपने आप को मजबूत बना पाते हैं। अगर हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे तभी हम स्वयं में मजबूत बन पाएंगे। तो पुस्तक और कलम की ताकत सभी जानते हैं कि पुस्तक शिक्षा में कितनी ताकत है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। हम सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। यदि हम इस बेटी युग, ये जो बेटी युग है, बेटियों को आगे पढ़ाने का, उनको बचाने का, उनको बढ़ाने का जो युग है, ये सम्मान का पर्व है। इसे एक सम्मान की तरह लेना चाहिए, बेटियों को भी उतना ही सम्मान हमें देना चाहिए और इसी में सभी का कल्याण छुपा है। यदि सब मिलकर यही समाज सोचेगा कि बेटी और बेटे का पढ़ना, बेटे का जितना पढ़ना बेटे का आवश्यक है उतना ही बेटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है, तभी हमारा समाज, हमारा देश उन्नति की तरफ आगे की ओर बढ़ेगा। तो यही शिक्षा, यही संदेश हमें इस कविता से मिलता है कि बेटे और बेटी में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और बेटी को शिक्षित होना उतना ही जरूरी है जितना बेटे का। तो इस तरह इस कविता का आपने पढ़ा कि इसमें, इस कविता में क्या कहा गया है, क्या संदेश इसका दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके शब्दार्थ हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जग, संसार, दुनिया, इरादा, विचार, मनन, सोच विचार करना, ठानी, दृढ़ निश्चय किया, पर्व त्योहार, फौलादी बहुत मजबूत, तरुण, युवा, नवयुवक, समीक्षा, गुण दोष का विवेचन यानी एनालिसिस कर, सम्मान, आदर, उत्थान, उन्नति, विकास, नेक, अच्छा, भला, शिक्षित, पढ़ा लिखा, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, पावन, पवित्र, ताकत, शक्ति। और इसके बाद सोचिए और बताइए के प्रश्न। बेटी को भी पढ़ाना क्यों जरूरी है? क्या हमें बेटा बेटी में भेदभाव करना चाहिए? कविता में किस बात की समीक्षा करने के लिए कहा गया है? बेटी को भी पढ़ाना क्यों जरूरी है? देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है, इतना ही आंसर इसका सही है। और चाहे आपको जो कुछ और आंसर समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं। क्या हमें बेटा बेटी में भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बेटा बेटी में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। कविता में किस बात की समीक्षा करने की कहा गया है? किस बात की समीक्षा के लिए कहा गया है? कि बेटे और बेटी को शिक्षा देना, यदि हम बेटे को शिक्षा दे रहे हैं तो वो आधी शिक्षा हम दे रहे हैं, यदि हम दोनों को शिक्षित कर रहे हैं तो वह पूरी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इस बात की समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि बेटियों के लिए भी शिक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। दी गई पंक्तियां पूरी करिए, पंक्तियां भी आपको पूरी करना है, पंक्तियां पूरी करना आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पंक्तियों कविताएं याद होगी आपको तभी आप पंक्तियों को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। अब सबके हाथों में क्या होगी? पुस्तक। क्या होगा? सही, पुस्तक। कविता में किसे समान बताया गया है? बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं, दोनों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब के जग में कौन सी कहानियां पुरानी हो गई है? नानी वाली कथा कहानियां। कौन सी कहानियां पुरानी हो गई है? नानी वाली कथा कहानियां। कहते हैं ना, नानी या दादी हमको कहानी सुनाती है कि नानी अब रहने दो, अभी ये सब नहीं चलता है, अब तो सब लड़कियां सब तरह से रह सकती है, सब तरह से काम कर सकती है ना, बोलते हैं ना ऐसा। तो अब नानी वाली कहानियां अब इस जग में पुरानी हो गई हैं। कविता के अनुसार शिक्षा कब पूरी होगी? कब शिक्षा पूरी होगी? कि जब सभी जब बेटा और बेटी दोनों शिक्षित होंगे तभी शिक्षा पूरी कहलाएगी। सारे जग ने किसकी ताकत को पहचाना है? सारे जग ने पुस्तक और कलम की ताकत को पहचाना है। बेटी युग कैसा पर्व है? बेटी युग सम्मान का पर्व है।
इसके बाद पाठ से आगे पढ़ने लिखने के क्या क्या फायदे हैं, ये मैंने आपको कराया भी है, तो आप ध्यान से इसको याद करेंगे और आप अपने अपनी अपने मन से भी इस उत्तर का आंसर लिख सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि ये फायदा है वो फायदा है तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दो बेटियों के नाम बताइए। अंतरिक्ष में भी बेटियां गई हैं, कौन कौन गया है हमारे भारत से भारतीय मूल की, कौन दो बेटियां अंतरिक्ष में गई है, एक कल्पना चावला और एक सुनीता विलियम्स, ये दोनों बेटियां हमारी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में गई। इसके बाद भाषा ज्ञान, ये आपको करना है एक्सरसाइज, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स या करेंगे, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में बताया गया है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से जो कि तो हिंदी में आते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर बदल जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तो तत्सम शब्दों के तद्भव रूप से खाली स्थान भरना है। लड़कियां अपनी मेहनत से हर काम को आसान बना देती है, कार्य तत्सम है और काम तद्भव। लड़कियां अंधकार, अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा, लड़कियां अंधेरा मिटाती है। बेटी गृह घर, घर की लक्ष्मी होती है, वे अपने हस्तों तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा हाथों से सारे काम कर लेती है। वह रात्रि रात में दीप जलाती है, ठीक है। इसके बाद वचन दिया है, वचन भी आप स्वयं कर सकते हैं और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, वे ये भी जाने, ये पढ़ लेना, कभी वन वर्ड का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत 2010 सॉरी इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त और अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान सरकार की अहम पहल है। इसी तरह शिक्षा को लेकर सरकार समय समय पर कई योजनाएं और अभियान शुरू करती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा इस लेसन से रिलेटेड मैंने बता दिया क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। भाषा ज्ञान, एक शब्द में उत्तर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, शब्दार्थ, है ना, इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय।